बीजेपी सरकार द्वारा ऊना के हरोली में लगने वाले ड्रग पार्क को लेकर राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी युवा मोर्चा ने हरोली में इसके विरोध करने वाले कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ प्रदर्शन किया और उनका पुतला भी फूंका। बीजेपी जिला अध्यक्ष की माने तो कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता द्वारा इस ड्रग पार्क को न लगाए जाने को लेकर अड़चने पैदा की जा रही हैं ताकि ये ड्रग पार्क हरोली में न लग सके। बीजेपी सरकार इस ड्रग पार्क को हिमाचल प्रदेश के हरोली में लगाने जा रही है। इसके लगने से 30,000 युवाओं को रोजगार मिलना है और प्रदेश सरकार को भी राजस्व हासिल होना है, लेकिन कांग्रेस के नेता नहीं चाहते कि युवाओं को रोजगार मिले और हल्के का विकास हो, इसलिए वे आए दिन इसको लेकर कोई न कोई बयान देते रहते हैं। उन्होंने कहा कि वे उनको ये चेताना चाहते हैं कि वे लोगों के बीच जाकर इसका विरोध करना बंद करें। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो बीजेपी युवा मोर्चा आने वाले दिनों में और तेज प्रदर्शन करेगी। आपके पत्रकार बंधुओं के ध्यान में होगा कि हरोली विधानसभा क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश का जो ड्रग पार्क है वो हरोली विधानसभा क्षेत्र के लिए प्रस्तावित है। जब से इस ड्रग पार्क की बनाने का प्रोसेस शुरू हुआ है तभी से लेकर कांग्रेस के लोग हो चाहे नेता प्रतिपक्ष हो, वो विरोध के नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। चाहे उनका ब्लॉक प्रेसिडेंट डीसी महोदया के माध्यम से जाके विरोध करे, डीसी महोदया के पास विरोध करे, चाहे कांग्रेस के लोग इसके विरुद्ध कोर्ट में केस करें, और नेता प्रतिपक्ष आए दिन कोई ना कोई होशा हथकंडा अपना रहे हैं कि ये हरोली में ऐसा प्रोजेक्ट ना। और ये हमने पिछले दिनों प्रेस वार्ता करके नेता प्रतिपक्ष को कहा था कि आपने जो युवा विरोधी रोजगार विरोधी सोच अपनाई हुई है उसको छोड़कर लोगों के बीच जाकर हरोली के बीच जाकर हरोली के युवा से माफ़ी मांगे कि आप जो 30,000 रोजगार का प्रोजेक्ट हरोली विधानसभा क्षेत्र में आने के लिए प्रस्तावित है आप उसका विरोध कर रहे हैं, इसके लिए क्षमा मांगे। उन्होंने क्षमा नहीं मांगा, आज हमने उसके लिए संकेतक हरोली के युवाओं ने इकट्ठे होकर विरोध प्रदर्शन किया है। अगर इस प्रोजेक्ट में रोड़े अटकाने से वो बाज ना आए तो इससे भी उग्र प्रदर्शन किए जाएंगे। और हरोली के युवाओं ने आज इनके विरोध में एक संकेतक तौर पर आज पुतला फूंका है। ये आज युवा का संकेतक विरोध है, अगर इनके हथकंडे ये बाज ना आए तो आप ये प्रदर्शन उग्र होगा।